किड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हनी लाइफ एंड स्टाइल। तो आज स्ट्रेटनिंग के प्रोसेस एंड स्टेप मैं बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से देखना और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना। क्लाइंट के हेयर पे काफ़ी वेव है, मैं यहाँ सर्च कॉफ का 0 नंबर यूज़ करने जा रही हूँ। फर्स्ट आप अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर लें और 100% सूखने के बाद क्रीम बाउल में निकाल लें और अपने पूरे हेयर पे छोटे छोटे सेशन लेकर इमल्सीफाई करें और अच्छे से इमल्सीफाई करें। आपने जितनी अच्छी तरीके से इमल्सीफाई किया होगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। ग्लव जरूर यूज़ करें और रूट से 1 इंच दूर से ये क्रीम यूज़ करेंगे, पूरे हेयर पे लगाएंगे। मिनट में ये प्रोसेस पूरा हो जाना चाहिए। याद रखें, आप किसी रिलेटिव या फिर अपने फ्रेंड की हेल्प जरूर लें, खुद से ना करें, क्योंकि खुद से करोगे तो बहुत ही डिफिकल्टीज होगी और रिजल्ट भी 100% नहीं आएगा। हेयर ग्लोसी से मैट हो चुका, इसका मतलब प्रोसेस पूरा हुआ। आपने 40 टू 45 मिनट्स के बाद अपने हेयर को प्लेन वाटर से वॉश करना है और सारे क्रीम को अच्छे से वॉश करके निकालना है। वॉश करने के बाद हेयर ड्रायर से अपने हेयर को 100% सुखाना है। याद रखें, आपने हीट यूज नहीं करना, नॉर्मल पे अपने बालों को सुखाना है। हेयर ड्राई होने के बाद आपने 100% हेयर ड्राई होने के बाद ही आयरनिंग करनी है। ध्यान रखें, स्कैल्प, ईयर, गले में हीट नहीं लगनी चाहिए। आपने स्टील वाले टेलकॉम को जरूर यूज करना चाहिए। मैं यहाँ यूज नहीं कर रही क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। पूरे हेयर में आपने छोटे छोटे हेयर सेशन को लेकर ही आयरनिंग करनी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपरली आयरन होना। अगर आपने आयरनिंग प्रॉपरली की है तो आपके हेयर बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, और अगर आयरनिंग में कुछ प्रॉब्लम आई तो फिर आपके हेयर में वेब्स पड़ सकते हैं। आयरनिंग कंप्लीट होने के बाद अपने बालों को 5 to 6 मिनट रिलैक्स करें, फिर नेक्स्ट क्रीम यूज करेंगे, सॉर्च कॉफ ग्लैट न्यूट्रलाइजर। अब हमें अपने पूरे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। बिल्कुल स्ट्रेट हो गए इनके हेयर, बहुत वेव थे इनके हेयर पे। और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।